गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनवानी क्लासेस। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आप मेरे साथ पढ़ते हैं बीएससी फिजिक्स को। बच्चों, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर आप मैं बात करूं आपके सेमेस्टर थर्ड की, इसमें आपका पार्ट ए चल रहा है और पार्ट ए की यूनिट थर्ड चल रही है, जिसका नाम क्या है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी टाइम के साथ साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें मैंने कल आपको कुछ चीजें बताई थी, कुछ एक्सपेरिमेंट बताए थे। एक्सपेरिमेंट क्या थे, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि फैराडे ने एक कंक्लूजन निकाला अपने कुछ एक्सपेरिमेंट से, और वो कंक्लूजन कैसे था, उसने ये बोला कि जब भी हम किसी मैग्नेट को, ठीक है, जब भी हम किसी मैग्नेट को किसी भी कॉइल के पास, वो कॉइल जो गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच है, ठीक है, जब भी हम किसी कॉइल को या फिर किसी मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर जाएंगे जो कि गैल्वेनोमीटर से अटैच है, तो हमें एक चीज दिखेगी कि उस गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा, यानी वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी, और जैसे ही हम क्या करेंगे उसको पिच अब उसके पास ना ले जाकर उससे दूर ले जाना शुरू करेंगे, तब भी डिफ्लेक्शन शो होगा। तो उससे हमें क्या समझ में आया कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तब तब एक करंट जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें हमें एक चीज पता लगी थी, क्या, कि वो जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो कैसे होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी। उसकी प्रॉपर्टी ये रहेगी, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगी, भाई जैसे जैसे आप पास आ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, उतना ज्यादा करंट क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू होगी, कल आपने कॉइल प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल वाला भी देखा होगा, तो जैसे ही मैं की को ओपन कर देता हूं, मैंने क्या करा, मैं फ्लक्स डिक्रीज करना शुरू कर दी, और फ्लक्स डिक्रीज करना शुरू कर दी, क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में जाता है, वो भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, यानी कैसा हो जाता है, वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, मतलब आप इंक्रीज करोगे तो उल्टी डायरेक्शन में और आप डिक्रीज करोगे तो सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपको समझ आया, मतलब फिर फैराडे ने इन चीजों को देख के अपने दो लो निकाले। पहला लो तो इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था, क्या था पहला लो, whenever there is a change in a magnetic flux of a closed, whenever there is a change in a magnetic flux linked, यहां पर थोड़ी की लैंग्वेज को अच्छा करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सर्किट, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, ठीक है, जो कि क्लोज सर्किट से लिंक्ड होगी, ठीक है, इट विल इंड्यूस्ड अ करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट ठीक है भाई क्या पता लगा, हमें यह पता लगा कि जब जब हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा जो कि क्लोज सर्किट से लिंक्ड है, तब तब आपका जो करंट है, वो इंड्यूस्ड हो जाएगा उस सर्किट के अंदर, क्या हो जाएगा, करंट आपका इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, आपका करंट हो जाएगा इंड्यूस्ड, इससे क्या होगा, ठीक है, द इंड्यूस्ड करंट विल लास्ट और आपको जो इंड्यूस करंट है वो कब तक रहेगा, वो आपका कब तक रहेगा,
So the induced current will be last till the change in flux last. यहाँ पे S लगाओ last. ठीक है, क्या बोला है मैंने ये कि आपका induced current जो है वो तब तक ही रहेगा जब तक आपकी जो magnetic flux में है वो change हो रहा है. ठीक है, इसमें एक और बात ऐड करो, द इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, द इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट, वो क्लोज्ड सर्किट will leads to the reverse induced current, whereas the decrease in the flux leads to change the direction of induced current in opposite direction. ठीक है बच्चों, ठीक है, देखो अब इसे समझो और अच्छे से एक बार फिर से समझो क्या लिखी है सारी बात. मैंने लिखा है कि जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तब क्या होगा, आपका जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है, और वो कब तक रहेगा, वो आपका इंड्यूस करंट सिर्फ तब तक रहेगा जब तक आपकी फ्लक्स में चेंज रहेगा. ठीक है, जब तक आपकी फ्लक्स में चेंज रहेगा. ठीक है, और जैसे ही आप फ्लक्स को इंक्रीज करेंगे, जैसे ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेंगे, जो करंट है वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है. कैसा फ्लो करता है, रिवर्स डायरेक्शन में. ठीक है, लेकिन अगर करंट उसी फ्लक्स को आप डिक्रीज करना शुरू कर देंगे, यानी मैग्नेट को मान लो आप दूर ले जाना शुरू कर गए, तो क्या होगा, तो आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी और अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वापस से आपको बताऊंगा एक बार, वो जो मैंने आपको कल एक्सपेरिमेंट्स बताया था ना उसके बेसिस पर ही बताऊंगा. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले. ठीक है, अब समझना जो कल मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था, याद करो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल वाला. मैं इसको रफ करता हूं और आपको याद दिलवाता हूं थोड़ा सा कि मैंने आपको क्या बताया था. देखो, वैसे तो आपको काफी हद तक याद भी होगा क्योंकि इतना बड़ी चीज उसमें थी भी नहीं. हमने क्या करा था, हमने प्राइमरी कॉइल ली थी, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया था. उसके बाद सेकेंडरी कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया था. फिर हमने क्या किया था, हमने क्या करा, हमने एक बार की को क्या किया, की को प्रेस किया. एक बार मैं बना ही देता हूं. ठीक है, इसके साथ हमने सेकेंडरी कॉइल को कनेक्ट किया था. ये हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करवा दी थी. ठीक है, आप देखना जैसे ही हमने इसे क्लोज किया, यानी ये यहां से हटके हमने इसको इस तरीके से कर दिया, क्या हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हुआ. तो मैंने आपको क्या दिखाया था कि इस डायरेक्शन में जब हमने ये चीज करी तो हमारा जो करंट की डायरेक्शन थी वो इस तरीके से हो गई थी. ठीक है, इस तरीके से हो गई थी, यानी देखना अब इंक्रीज हुई फ्लक्स तो क्या हुआ, डायरेक्शन रिवर्स है इंड्यूस करंट की. और जब मैंने ओपन करी, मतलब इसे छोड़ दिया, तो क्या हुआ, मैंने देखा कि इसमें करंट मेरा कैसे जाने लगा. अब मेरा इसमें करंट किस तरीके जाने लगा, इस तरीके से, यानी इन द सेम डायरेक्शन में जाने लगा. देख रहे हो, यही चीज फैराडे के फर्स्ट लॉ ने बताई थी. ठीक है, अब देखो फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ो, फैराडे सेकंड लॉ.
ठीक है, आप देखना। सेकंड ये अभी फेराडे के चल रहे हैं, लेंस के लॉ, लेंस का लॉ आना भी बाकी है बच्चों। फेराडे लॉ, फेराडे ने क्या बोला? फेराडे ने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। यानी ई जो है वो आपका डी फाइव बाई डी टी है, ठीक है। ये आपका किसने बताया? ये फेराडे ने बताया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये आपका किसने बताया? ये आपका फेराडे ने बताया। क्या बताया? कि जो ईएमएफ आपका इंड्यूस हो गया है, ठीक है, आपको ये तो पता लगे ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, ठीक है। लेकिन जो आपको ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो फ्लक्स के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जिस जैसे जैसे हम टाइम के साथ साथ फ्लक्स को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी इंक्रीज करती चली जाएगी। जैसे जैसे हम टाइम के साथ साथ फ्लक्स को घटाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी ईएमएफ क्या होगी? वो भी घटती चली जाएगी। ये हमें किसने बताया था? ये हमें बताया था फेराडे के सेकंड लॉ ने। तो याद रखना, फर्स्ट लॉ इज ऑल अबाउट क्या, कि हमारा जो उसकी डायरेक्शन होगी वो कब रिवर्स होगी, कब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। और सेकंड लॉ इज ऑल अबाउट ईएमएफ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है डी फाइव बाई डी टी से। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, के डी फाइव बाई डी टी। के कॉन्स्टेंट है तो आप के को क्या पुट कर सकते हैं? वन। तो ये आपकी पुट होती है माइनस का डी फाइव बाई डी टी। अब आप बोलेंगे कि सर ये माइनस क्या है? माइनस साइन जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डायरेक्शन को, कि आपकी जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है टू द करंट, ठीक है। यानी मतलब जैसे आपके फर्स्ट कॉइल थी उसमें किधर था? उसमें ऐसे करंट जा रहा था, लेकिन आपकी सेकेंडरी कॉइल में किस तरीके से होता? अपोजिट में होता, ठीक है। तो ये माइनस साइन क्या शो करता है? माइनस साइन डिनोट्स द डायरेक्शन इन अपोजिट denotes the opposite direction, लिखो the, या फिर बस denotes the direction, क्योंकि जब आप decrease करोगे तो क्या होगा? तब उसी direction में होगा, तब यहां पे plus आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लो बस आप, कि आपका क्या है? फेराडे का सेकेंड लॉ। तो बच्चों अब चलते हैं किस पर? लेंज लॉ पे। ठीक है, अब सिर्फ लेंज लो। अब देखना लेंज लो ने क्या कहा था। ही लो है तो लोग नहीं, इट बोलेंगे, लो के बारे में बात करेंगे। इट स्टेट्स दैट the direction it states that it states that the induced EMF the direction
ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द कॉज डेट प्रोड्यूस्ड। क्या बोलता है ये कि जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है वो हमेशा उस कॉज को अपोज करती है जो कि उसे प्रोड्यूस करता है। यानी अब इसमें भी आपको एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। आप देखना, मैंने क्या बताया था, मान लो ये मेरी कॉइल है, देखो ये है ना हल्की सी, मान लो ये मेरी कॉइल है, ठीक है, दिख रहा है कॉइल, इस कॉइल के पास मैं मैग्नेट को लेके जा रहा हूं। तो मैंने आपको बताया अभी तक क्या हुआ, जैसे ही मैं लेके जा रहा हूं तो मुझे इधर क्या लग रहा है, मेरे को रिपल्शन शो हो रहा है। यानी लेके तो मैं जा रहा हूं लेकिन मेरे को रिपल्शन शो हुआ। इसने एक्सपेरिमेंट करा, फैराडे ने भी यही वाला एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, और लेंस ने भी यही वाला करा। लेंस को क्या दिखा, लेंस को दिखा मैं लेके तो जा रहा हूं मैग्नेट को इसके पास, लेकिन जो मैं नॉर्थ पोल के साथ जा रहा हूं चोर, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये मैग्नेट मेरी अपोजिशन फेस कर रही है। अब देखना इसमें, इसका मतलब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गई है प्लस पहली चीज, ठीक है, क्योंकि इसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच था, उसने डिफ्लेक्शन शो करा, तो हमें पता तो लग गया कि इसके अंदर ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो गई है, ठीक है, ईएमएफ क्या है, इंड्यूस हो गई है। लेकिन ये अपोज कर रही है, इसका मतलब क्या है, इसने अपने पास कौन सा पोल जनरेट कर लिया, साउथ पोल, ठीक है, और ये किसका अपोज कर रही है, ये इस मैग्नेट का अपोज कर रही है। और ये मैग्नेट क्या है, ये मैग्नेट ही वो वजह है जिसकी वजह से इसके अंदर करंट मूव कर पा रहा है, और ये इसी वजह का अपोज कर रही है। अब समझे भाई, मैग्नेट इसका मम्मी या पापा है, ठीक है, और ये अपने मम्मी और पापा का ये अपोज कर रही है कि नहीं तू मेरे पास मत आ, तू मेरे से दूर जा। कैसे कर रही है वो, ये नॉर्थ पोल हम इसके पास लेके आ रहे हैं तो यहां साउथ पोल जनरेट कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, साउथ पोल जनरेट कर रही है। साउथ पोल कैसे जनरेट होगा, जब आपका करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा, ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है। तो जब ऐसे जाएंगे और जैसे ही मैं साउथ पोल को आगे कर दूंगा तो क्या होगा, तब एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगेगा। अभी मैं अपोजिशन फेस कर रहा हूं, मतलब अगर तुरंत मैं चेंज कर दूंगा ना तो तुरंत इसकी डायरेक्शन भी एकदम चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये लेंस ने मेजर किया अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। दूसरा लेंस ने देखा कि चलो ठीक है पास आ रहा है, वो अपोज कर रहा है, तो ठीक है चलो भाई इसके अपोज में चलते हैं। अपोज में चले तो अपोज में जाते ही क्या हुआ, फिर अट्रैक्शन होने लगा, ठीक है, क्या होने लगा, अट्रैक्शन फील करने लगा। यानी जब साउथ पोल को मैं दूर ले जाने लगा तब क्या हुआ, तब नॉर्थ पोल बना लिया इसने, और जब पास ले जा रहा था साउथ पोल को तब साउथ ही पोल बना रखा था। भाई लाइक्स रिपेल ईच अदर, मैंने गलती से वो बोल दिया था, जब नॉर्थ पोल जाएंगे तो इधर नॉर्थ पोल ही बन जाएगा, तभी तो अपोजिशन होगा। और जैसे ही मैं नॉर्थ पोल को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं तो इधर क्या होगा, इधर साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा। तो अब देखो, अब दूर ले जाने के केस में इसका पापा क्या है, दूर ले जाना, और दूर ले जाने का अब ये क्या कर रहा है, पोस्ट की नहीं दूर मत जाओ पास आओ, ठीक है। तो ये यही चीज बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। इसको नोट कर लो, क्या, ऑलवेज अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट, ठीक है, ये इसके अंदर मेन लाइन है। यानी जो आपको ईएमएफ के बारे में फॉर्मूला आया था माइनस का डी फाइव बाई डी टी, ये एकदम करेक्ट फॉर्मूला है, ये माइनस का साइन बिल्कुल सही चीज शो कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, ठीक है, हमेशा किसी डायरेक्शन में होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, यानी अपने उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। अगर करंट इधर मूव कर रहा है तो ईएमएफ इधर जनरेट होगी, ठीक है, अगर करंट इधर प्रोड्यूस हो रहा है तो ईएमएफ इधर जनरेट होगी, तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, अब देखो इस चीज को भी, आप जो मैं लेंस की वो एक्सपेरिमेंट बताऊंगा ना, वो एक्सपेरिमेंट वही है जो फैराडे के थे, बस इसमें एक काम करना ही लिखना, मतलब आप समझो। देखो क्या हुआ, जैसे आपकी कोयल थी ना, ये आपकी कोयल थी, क्या करा मैंने, मैं मैग्नेट को पास लेके जा रहा हूं इसके, और नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहा हूं। तो जब मैं इस डायरेक्शन में लेके जा रहा था तो मैंने क्या देखा कि क्या शुरू कर दिया इसने, रिपल्शन शुरू कर दिया,
कि नहीं दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नॉर्थ पोल जनरेट हो गया होगा, इसमें भी नॉर्थ पोल जनरेट हो गया होगा। नॉर्थ पोल कैसे जनरेट होगा, यानी आपके करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो करंट आपकी कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस साइड से देखो एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, ऐसा, यानी करंट की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से होगी थी, ठीक है, इस तरीके से होगी थी। यानी ये आपका नॉर्थ पोल की तरह काम करने लगा था और ये आपका साउथ पोल की तरह काम करने लगा होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्या करा, मैंने इसको पलट दिया, यानी एकदम से मैं इसके पास क्या लिया, साउथ पोल। तो मैंने क्या देखा, तुरंत ही जो इसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच होगा फॉर एग्जांपल, उसमें भी एकदम से क्या हुआ, पहले इधर था, अब एकदम से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो हुआ और अब इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, अब इस डायरेक्शन में दिखा रहा है और करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, यानी ऐसे होगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे। यानी अब कैसी होगी, क्लॉकवाइज। अब कैसी होगी, इधर से देखना, इधर से देखो, ठीक है। अब हमारे लिए ऐसे करके आ रहा था करंट, ठीक है, हमारे लिए इधर क्या होगी, इधर साउथ पोल का रोल प्ले करेगा, ठीक है, देखना, ठीक है। इधर नॉर्थ पोल, सॉरी इधर साउथ पोल बन जाएगा ना, क्लॉकवाइज है, और इधर नॉर्थ पोल क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमको शो करा लेंस, ठीक है। आई होप बच्चों आपको लेंस और फेराडे लॉ अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। अब मैं आपको क्या करवाऊंगा, जो आपका फेराडे का ये कंक्लूजन था ना, इसको मैं प्रूफ करूंगा, डिडक्शन करवाऊंगा, E equals to minus का d5 by dt नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो प्रिपेयर होकर आना, थ्योरी आपकी इतनी थी, अभी के लिए इतनी ही थी, हालांकि थ्योरी भी बची है, अभी के लिए थ्योरी इतनी ही थी, ठीक है। अब इसमें फेराडे का आपका डिडक्शन होगा, तो आप डिडक्शन के लिए रेडी होकर आना, क्योंकि आप डिडक्शन के नाम पे बिल्कुल ऐसे हो जाते हो, सर समझाओ, तो समझाने वाला कार्यक्रम हो गया है, अब कार्यक्रम बस एक ही बचा है, क्या, सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन वाला, हमको E equals to minus d5 by dt प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू वेरी मच।